नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सहरावत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रेस के बारे में जो वन ऑफ माय फेवरेट हैं, बहुत लंबी चलती हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके अलावा हम बात करेंगे टेफ्लॉन शूज़ की और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं सोलेनोइड वॉल्व, जो अक्सर लोग कहते हैं खराब हो गई, तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इटालियन प्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते और कोई और सब्सिट्यूट देख रहे हैं, तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ऐसी ही एक प्रेस की, जो है हमारी सिल्टर STB 200। ये 800 वॉट की प्रेस है, इजी टू यूज़ और सबसे कम खराब होने वाली प्रेस है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रेस। हम ज़्यादातर फ्रेंचाइजी में यही प्रेफर करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है और इसको ज़्यादातर इंडस्ट्री में लाल हैंडल वाली प्रेस कहते हैं और इसका लाल ही स्विच होता है। इसमें दो स्विच आते थे, एक वाइट कलर में, एक रेड कलर में। और अगर आपको इसकी डुप्लीकेसी चेक करनी है तो इसकी जो स्विच की साउंड है वो ही आपको बता देगी कि ये ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। ये 8 से 9 महीने चलती है और इसके साथ हॉज पाइप नहीं आता है। अगर वो 100% ओरिजिनल ताइवान से इम्पोर्ट की गई प्रेस होगी तो उसमें हॉज पाइप नहीं आएगा। बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए आप इसकी बैक देख सकते हैं और बैक में आपको जो है ये डिज़ाइन मिलता है। इसके अलावा इसकी फंक्शनलिटी अगर हम चेक करें, इसको हम अगर इसकी फंक्शनलिटी हम चेक करें तो इसमें आपको लेलिन का, कॉटन का, वूल का, सिल्क का और एक्रेलिक का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा मिनिमम भी, ये 220 to 230 वोल्ट पे इजीली चलने वाली प्रेस है और इसका वेट करीबन 1 किलो कुछ ग्राम है। और इसको ज़्यादातर लोग लकड़ी वाली प्रेस बोलते हैं, तो ये वन ऑफ माय फेवरेट प्रेस है। ये अवेलेबल भी है हमारी वेबसाइट पे। इस प्रेस के साथ एक टेफ्लॉन शूज़ हम फ्री देते हैं। जो टेफ्लॉन शू की कोटिंग है उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि टेफ्लॉन शू में कितना दम है। और उसके अलावा जो इसकी यहाँ की फिनिशिंग है, अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये लोकल है, ये इम्पोर्टेड है या एक अच्छी क्वालिटी का है। तो ये जो है ये मीडियम क्वालिटी का है, इम्पोर्टेड बहुत महंगे आते हैं, चलते हैं नो डाउट, पर इतना पैसा खर्च करना शायद मुझे वर्थ नहीं लगता। उसमें हमारे पास 2 या 3 टेफ्लॉन शूज़ अच्छी क्वालिटी के, जिसके ऊपर अच्छी सी टेफ्लॉन कोटिंग है, वो हमें मिल जाते हैं। तो इसके साथ हम देते हैं एक टेफ्लॉन शू, आपका जो है एक प्रेस और हॉज पाइप। तो ये रेडी टू कनेक्ट है। और तो गाइज, इसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो है हमारा इंडियन कॉफी का सोलेनोइड वॉल्व। अब बात करते हैं हम सोलेनोइड वॉल्व की। ये सोलेनोइड वॉल्व जो है कॉफी का है, गैलेक्सी प्लस के भी बहुत अच्छे चलते हैं। मेरे बहुत सारे जो ड्राई क्लीनर फ्रेंड है वो कहते हैं हिमांशु हमारा सोलेनोइड वॉल्व बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, कई बार 4 महीने में 5 महीने में 6 मैक्सिमम 8 महीने में खराब हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली कोई भी सोलेनोइड वॉल्व खराब नहीं होता है। उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ बदली जाती है, जो है इसका पिस्टन। ये पिस्टन अलग अलग सोलेनोइड वॉल्व, कोई सोलेनोइड वॉल्व बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई इटालियन है, कोई ताइवान से आया है, कोई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका सोलेनोइड वॉल्व खराब होना है तो आपको सिर्फ एक पिस्टन बदलना है, दैट्स इट। ये पूरा पिस्टन जो मैकेनिज्म है ये स्टीम को कंट्रोल करता है और वो स्टीम आपकी प्रेस में आती है। तो ये सोलेनोइड वॉल्व अगर आप खरीदना चाहते हैं, इसके अलावा मेरे पास ओलाब के भी अवेलेबल है, ओरिजिनल ओलाब। और मैं ओरिजिनलिटी की मैं आपको एक बात बता दूं, ओरिजिनल ओलाब डब्बे में नहीं आता है, वो डायरेक्ट इम्पोर्ट होते हैं बड़े बड़े डिब्बों में और वो आपके दर्जन के हिसाब से होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर रैप जो होता है वो लोकल रैप होता है। तो इंडस्ट्री वालों को ऑलरेडी पता है जो मैं बात कह रहा हूँ कि ओरिजिनल ओलाब के जो वॉल्स आते हैं वो कैसे होते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा सोलेनोइड वॉल चाहिए तो आप जो है हमारी वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज के अभाव में वो लोग बार बार 850 से लेकर 1700 के सोलेनोइड वॉल्स जो है वो बदल रहे हैं, जबकि वो बदलने के लिए नहीं है, उनके अंदर ये वियर एंड टीयर पार्ट है, सिर्फ उनको ये बदलने हैं। इसके बाद हम जो
अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो एक ऐसी प्रेस की करने वाले हैं जो इन्होंने बहुत कम ड्राई क्लीनर्स फ्रेंड्स ने जिनको देखा है, और वो जब खत्म हो जाती है इंडिया में तो वो ब्लैक में मिलती है। तो चलिए हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज ये है हमारी स्लिम प्रेस, ये कफ एंड कॉलर के लिए यूज होती है, ये मेड इन टर्की है, और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है ये भी 1 किलो 150 ग्राम की प्रेस है। 600 वॉट का इसका हीटिंग एलिमेंट है, जैसे बड़े वाली प्रेस का 800 एलिमेंट था। फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज, ये भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है STB295। ये जो प्रेस है मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार ही यूज की है, उसके बाद इसके लोकल वर्जन बहुत अवेलेबल थे जो बहुत जल्दी खराब होते थे। ये 100% ओरिजिनल प्रेस है। ओरिजिन प्रेस की जो फिनिशिंग है वो अपने आप में गजब है। इसका ब्लू कलर का आपका वो मिलता है, मैं इसको प्रॉपरली अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ। इसका कलर ब्लू होता है, सेम लकड़ी का हैंडल प्लस साउंड। ये जो साउंड है आप हाथ लगाते ही बता देंगे कि ये नकली है या असली है। इसके अलावा नीचे जो इसका स्टीम पैटर्न दिया गया है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिया गया है, और ये काफ़ी स्लीक है। अब इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि इंडस्ट्री में जो हमारी न्यूमेटिक प्रेस होती है कफ एंड कॉलर को, उसका सब्सटीट्यूट क्या है, हमें कफ एंड कॉलर करने और ऐसे कफ एंड कॉलर्स करने हैं, और खासकर ये काज वाला जो एरिया है जो ये कह ही ना पाए कोई भी उसको देख के न्यूमेटिक प्रेस पे नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये स्लिम प्रेस है। इसमें भी सेम मैक्स से लेके मिनिमम तक है, पर ज़्यादातर ये 99% मैक्स पे चलती, क्योंकि कॉटन शर्ट करने में ये सबसे ज़्यादा जो है यूजफुल है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसका भी टेफ्लॉन शू जो है अवेलेबल है, लेकिन गाइज कुछ कॉटन के कपड़े आते हैं जो आपके कपड़े बहुत हार्ड होते हैं, आपके स्टार्च वाले कपड़े होते हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप प्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप मैक्सिमम में चलाएं, स्टीम कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। जो आपका कपड़ा है उसको 10% उसमें 20% मॉइस्चर छोड़ दें, या लोकली जो आप लोग काम करते हैं उसके ऊपर गीला कपड़ा लगा के उसको फोल्ड करके रख देते हैं वो करें, और विदाउट टेफ्लॉन शूज़, इस चीज़ को मार्क कीजिएगा, विदाउट टेफ्लॉन शूज़ इस स्टीम प्रेस को यूज करें, या जो दूसरी स्टीम प्रेस थी हमारे बड़े वाली आप वो यूज करें, लेकिन विदाउट जो है टेफ्लॉन शू यूज करें, आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा कुछ ड्राई क्लीनर भाई में मुझे बोलते हैं कि सर एक कपड़ा आता है जो सिर्फ हैवी प्रेस पे बनता है, और अगर हम दिल में उस स्टार्च उस पे कर देते हैं तो जो हमारा कारीगर है वो दिन के 45 कपड़े ही बना पाता है मैक्सिमम 45 क्लोथ्स। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इसके लिए, देखिए समझिएगा ये बात, एक आप एक्सप्रेस स्टार्च यूज कीजिए, दूसरी एक 100% कॉटन आता है जिसकी तासीर ही ऐसी होती है कि आप उसको कितना भी प्रेस कर लें एट द एंड ऑफ द डे स्टार्च करने के बाद उसमें हल्के हल्के रिंकल्स आ जाते हैं। तो वो क्लाइंट जो वो उस टाइप का कपड़ा पहनता है उसको भी ये बात पता है कि उसने हर ड्राई क्लीनर को चेक कर चुका है वो, और हल्के हल्के जो है आपकी क्वालिटी जो है उसमें डिट्रॉइट हो जाती है क्योंकि उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो गाइज अगर आप ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cleancraft.in, और उसमें प्रोडक्ट के सेक्शन में जाके इनकी डिटेल्ड वीडियोस और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने उसमें डाली हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैक्सिमम हमारे ड्राई क्लीनर्स भाइयों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। This is Himanshu Sehrawat. Thanks for watching this video.